मूवी की शुरुआत में हमें माइन के अंदर कुछ लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है, तभी वहां पर एक चिंगारी से आग फैल जाती है। दरअसल इस पूरी खदान के अंदर मीथेन गैस फैली हुई है, पर ये सबके सब अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल यहाँ की जो सरकार है उसने माइन के अंदर काम करने की रोक लगा दी है, पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं पैसों के लिए फिर भी वो माइन के अंदर काम करते हैं। और अब इसके बाद सबके सब आपस में डिस्कशन करते हैं, जिसमें इनका लीडर जेक कहता है कि अब हमें खदान में काम करना बंद करना होगा, हम सबकी जान को खतरा है। पर उसका भाई केनी कहता है कि हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है, हम खदान में काम करना बंद नहीं कर सकते। इनके जो बाकी साथी होते हैं वो भी यही कहते हैं। इसके बाद इनके बीच में वोटिंग होती है और सब अपना हाथ खड़ा करते हैं कि हम खदान में काम करेंगे। इसलिए जेक को भी अपना हाथ उठाना पड़ता है, पर वो अपने भाई केनी से कहता है कि तुम अपने बेटे को खदान में काम करने के लिए मत लाना। सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। दो दिनों के बाद जेक एक बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पर केनी और उसका बेटा रियान भी होता है। केनी अपने बेटे रियान को भी लाना चाहता है। केनी का बेटा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि खदान में बहुत ही खतरा होता है, इसलिए वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है, जो बात केनी को अच्छी नहीं लगती। केनी अपने बेटे पर गुस्सा हो जाता है। जेक, जो कि अच्छी तरह जानता है कि माइन यानी खदान के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, वो माइन के इंचार्ज के पास जाता है और कहता है कि नीचे पानी बहुत ज्यादा भर रहा है, हमें पाइप की जरूरत है। पर वो कहती है कि मेरे पास पाइप का बजट नहीं है। इसीलिए जेक अपने सीनियर्स को यानी कि अथॉरिटी को कॉल करता है, पर अथॉरिटी मेंबर साफ साफ कह देता है कि बिना जांच के हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। जेक 2 दिन तक नहीं रुक सकता क्योंकि उसके लोग नहीं रुकेंगे, इसीलिए न चाहते हुए भी वो अपने लोगों के साथ खदान के अंदर चला जाता है, जहां पर उसके भाई केनी का बेटा रियान भी है, जो आज पहली बार खदान के अंदर आया है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वहीं खदान के बाहर हमें दिखाया जाता है कि तेज बारिश होने वाली है। वहीं पर ये सब के सब खदान के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें काम करना है। केनी अपने बेटे को यहां से निकलने के सारे रास्ते बताता है, क्योंकि वो पहली बार यहां पर आया है। और अब सबके सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। केनी यहाँ पर ड्रिल मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, हालांकि जेक उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ज्यादा हलचल से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। पर केनी उसकी बात नहीं मानता। और फिर क्या था, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। पावर हाउस में ज्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से माइन में आग लगने लगती है, जिससे माइन का कुछ हिस्सा नीचे जमीन में धस जाता है। ऊपर जो इंचार्ज होती है, जो मॉनिटर के सामने बैठी होती है, वो मॉनिटर में रेड अलर्ट देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नीचे माइन में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं माइन के अंदर सबके सब लोग घबरा चुके हैं, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन केनी अपनी जगह पर खड़ा है। चारों तरफ आग फैल रही होती है, क्योंकि अंदर मीथेन गैस भी है। और चंद ही पलों के बाद चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है। सबसे पहले जेक आवाज लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केनी का बेटा रियान भी जिंदा है, उसके साथ उसका एक साथी भी है। ये दोनों के दोनों केनी के पास जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इनके 7 लोग मारे जा चुके हैं। आज से पहले इस माइन के अंदर 113 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि कुल मिला के इस माइन के अंदर 120 लोगों की जान गई है। वहीं ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो माइन के पास आती है, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं दिखता। यानी कि जो अब माइन के खदान के अंदर हैं, इन 4 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इसीलिए यहाँ से जो सबसे पास का इमरजेंसी एग्जिट होता है, ये चारों के चारों उस तरफ निकल पड़ते हैं। माइन से निकलने के लिए ये चारों जल्दी से उस एग्जिट गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंच कर ये देखते हैं कि वो गेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, यानी कि वो उस गेट के बाहर नहीं जा सकते। ये चारों तरफ से कपड़ा बांधकर अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल ये ऐसा कपड़ा है जो इन्हें आग से बचाएगा, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर मीथेन गैस है। साथ ही केनी बहुत ज्यादा डर चुका है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ये सबके सब यहीं फंसकर मारे जाएंगे। बाहर बारिश और भी तेज होना शुरू हो जाती है, जो इन सबके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बारिश का सारा पानी खदान के अंदर आ रहा होता है। जेक सबको हिम्मत देता है और कहता है कि हम यहाँ से बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। मैंने यहाँ पर आने से पहले अथॉरिटी को कॉल किया था, पर 2 दिनों की छुट्टी है, इसीलिए वो मंडे को यहाँ पर आएंगे। 2 दिनों तक हमें अपने आप को बचाना होगा। लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं होती। इनका जो चौथा साथी है, जिसका नाम जॉन है, वो कहता है कि जब अथॉरिटी को पता चलेगा कि हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो हमें बचाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वहीं बाहर इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो बार बार अथॉरिटी को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता, जिसके बाद वो पावर को कट कर देती है, ताकि सारे के सारे माइंस के अंदर के फैन बंद हो जाएं और आग आगे की तरफ ना बढ़े। माइन के अंदर के फैन बंद तो हो जाते हैं, लेकिन माइन के अंदर पहले से मौजूद धुआं अब अंदर ही घूमना शुरू हो जाता है। और जब ये चारों देखते हैं कि इनकी तरफ ही धुआं आ रहा है, तो ये सब मास्क पहन लेते हैं, साथ ही ये कर्टेन लगा देते हैं, जिससे धुआं दूसरी तरफ चला जाता है। ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो अथॉरिटी के हेड से कॉल पर बात करने में कामयाब हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिस वजह से हमारे कुछ लोग नीचे फंस चुके हैं। वो ये नहीं बताती कि ये सब अपनी मर्जी से नीचे गए थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो उनकी मदद के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा।
हाई अथॉरिटी कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ मत करना। वो ये भी नहीं बताती कि उसने माइंस के अंदर के पंखे बंद कर दिए हैं और अब इन सबको मदद का इंतजार करना होगा। वहीं नीचे चारों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने ऑक्सीजन के मास्क पहन लिए हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। ये चारों लगातार आगे बढ़ते हुए एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक इमरजेंसी फोन होता है। ये उस फोन से इंचार्ज को कॉल करते हैं। लकीली इनका फोन लग जाता है, पर इससे पहले कि ये इंचार्ज को अपनी लोकेशन बताते वहां पर माइन धस जाती है जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है और अब इनकी मुसीबतें और बढ़ चुकी हैं। पर अब इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है जो उससे कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि नीचे कोई खतरा नहीं है, नहीं तो ऐसे में हमारी भी जान चली जाएगी। माइन की इंचार्ज को पता होता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जल्द ही उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। खदान के अंदर चारों लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि इन्हें खदान के चप्पे चप्पे के हर एक रास्ते के बारे में पता होता है। वो एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो बंद होता है। किसी तरह से ये उस दरवाजे को खोलते हैं जहां से बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है क्योंकि बारिश की वजह से ये सारा पानी इस दरवाजे के सामने रुक चुका था और अब ये सब के सब पानी में डूबने लगते हैं। और इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें बाहर की तरफ यानी कि आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन जिसका पैर टूटा हुआ है तभी वो एक पत्थर से टकराता है जो पानी के साथ बह रहा होता है और जॉन उसी पत्थर के साथ बह जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। ये तीनों के तीनों आगे एक चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है। वहीं पर रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो अपने आप को एक वायर से बांध कर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है जो एक शाफ्ट तक जाता है और शाफ्ट के दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग फंसे हुए हैं। केनी जो अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुका है उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। जेक उसके पास जाता है और उसे समझाता है, तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है। जेक देखता है कि ये तो उसी का साथी है जो पत्थरों की दीवार के दूसरी तरफ है। उसका साथी कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा, यहाँ पर एक फोन है जिससे मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूँ, तभी हम सब बच पाएंगे। ना चाहते हुए भी इन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है, जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है और इंचार्ज को बताता है कि हम शाफ्ट के पास पहुंच चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर धमाका करना होगा, हम सबकी ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर तुमने जल्दी धमाका नहीं किया तो हम सबके सब मारे जाएंगे। और अब इंचार्ज कुछ लोगों को लेकर शाफ्ट की तरफ बढ़ती है। वहीं केनी के बेटे रियान की ऑक्सीजन अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसीलिए केनी अपना मास्क उतारकर उसे लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की डेथ हो जाएगी। जेक अपना भी मास्क निकालता है और अपने भाई केनी को लगा देता है। केनी मना करता है कि मास्क लगाकर वो अपनी जान बचाए क्योंकि माइंड में आने के लिए सबको उसी ने बोला था और ये सब उसकी ही गलती है। जेक कहता है कि ये मेरा फर्ज है, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद कभी कोई माइंड के अंदर काम नहीं करेगा। ये कहते कहते उसकी डेथ हो जाती है और अब इन दोनों की भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इनका जो दूसरा साथी दीवार के दूसरी तरफ है वो भी अब बेहोश हो चुका है। अब शाफ्ट के बाहर इंचार्ज कुछ लोगों के साथ पहुंच चुकी है। ये सब माइन को उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इंचार्ज खुद भी माइन के अंदर जाती है। वो दीवार के दूसरी ओर फंसे हुए लोगों से कहती है कि दीवार से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। लेकिन केनी उसका बेटा रियान और साथ ही इनका तीसरा साथी जो दीवार के दूसरी तरफ है वो उनकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं, पर इंचार्ज को पता होता है कि अगर अब उसने थोड़ी सी भी देरी करी तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएगी, उसकी और उसके साथियों की सारी मेहनत बेकार जाएगी। और इसी के साथ माइन के अंदर वो सब धमाका कर देते हैं। और अब हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है। वहां पर हमें एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमें रियान और उसके पिता केनी को भी दिखाया जाता है जो कि उस पार्टी में सबसे मिल रहे होते हैं। और यहां पर इनका वह तीसरा साथी भी है जिसका इन सबने हाथ काट दिया था। यहां पर जेक की पत्नी भी आती है। केनी उसके पास जाता है और उसे जेक के बारे में बताता है कि जेक ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब पश्चाताप के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी पश्चाताप इसी दर्द के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।